बोलेंगे क्या? पत्थर आ गया। कहीं लाइट फिटिंग का कुछ नहीं होगा? वाओ बारिश। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। खाना वगैरह सब हो चुका है, अभी शॉप पर जाने की तैयारी थी तो मम्मी आज जा रहे हैं राखी बांधने के लिए, तो मैंने और चिकू ने मिलकर ये सारी मिठाई अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी है। आज मम्मी के लिए मिठाई आ गई है, यानी मामा के घर के लिए, और अब शाम को मैं और चिकू जाएंगे मेरे पियर के लिए मिठाई लेने के लिए। तो इसको अच्छे से कर देती हूँ ऑर्गेनाइज, और आज शॉप पर भी जाना है। शॉप पर जाने में हो गई लेट क्योंकि आज भाई जी आए नहीं थे, और कल मैं ले आई थी राखी मैं कल ले आई थी, तो राखी का काम तो हो गया, सिर्फ मिठाइयाँ लानी हैं, और ये बस मिठाइयाँ जम रही हैं। हो गई हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज मिठाइयाँ, आप देख सकते हो इतनी टेस्टी मिठाइयाँ आई है, वो भी सेलिब्रेशन बेकरी की, जो कि इसके केक्स भी इतने अच्छे होते हैं और मिठाइयाँ भी अच्छी होती है। क्या पता चिकू की रिंगटोन बज रही है, ये कॉपीराइट ना आ जाए, इससे डर लगता है। ठीक है, तो फटाफट से अभी इनको कर दिया है अरेंज, और मैं चलूँगी अब शॉप पर। मैं निकल गई हूँ शॉप के लिए, और यश आया है शॉप पर कर रहा है वेट, ये टॉवल्स धोए थे वो ले जा रही हूँ शॉप पर। तो चलिए एक तरफ रख देती हूँ कैमरा क्योंकि बहुत सारा सामान है हाथ में। ए दिन ब दिन गणेश जी हो रहा है, शर्म आनी चाहिए तेरे को, झाड़ा ही हो रहा है दिन ब दिन। मुँह पे नहीं बोल सकता पर अब लोग तो बोलेंगे। और कैसे हो, क्या क्या काम से आए हो जरा बताओ हमारे ब्लॉग में। जब से आई थी शॉप पर तब से थी बिजी, और अभी हुई थोड़ी फ्री तो आ गए हैं चिकू काम करवाने के लिए। वो लेके आए हैं ये जो कि हमको पार्सल रिसीव हुआ था लॉरियल से, तो इसको हम यहाँ पर हैंग कर रहे हैं इस जगह पर, तो ये अभी हैंगिंग चल रही है। ओ निपेश जी ध्यान सेवा गिनना मत। पर ये मेरे को तो क्या इतना हैवी है, तो ये 2 किलो इनफ चाहिए इसके लिए। सेम सपोर्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, मैंने तो चमकदार किसी की नहीं देखी आज तक ड्रिल। क्या जितने भी इलेक्ट्रिशियन आते हैं जो भी आते हैं अपने काम कम पड़ता है, पर वो लेवल सही है देख लो, ये तो ऊंचे नीचे लगे। नहीं एक बार एक लगाएंगे फिर दूसरा लगाएंगे उसके, तो उसके लिए स्केल वगैरह कुछ है ना इसके। पत्थर आ गया। कहीं लाइट फिटिंग का कुछ नहीं होगा? फिक्स है। बाहर तो आज लगा नहीं क्योंकि मैं जब बाहर लगा रही थी तब आ गए कस्टमर्स, तो इसलिए लग नहीं पाया, ऐसे कैसे रह गया है, और काम था सैलून पर बहुत ज़्यादा। अभी बज गई है 9 और अभी तक मैं घर नहीं गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम था, थक गई हूँ, और अभी घर जाके देखती हूँ खाने में क्या व्यवस्था मैं तैयार करती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और कल है राखी, आपको ट्यूटोरियल भी नहीं दे पाई हूँ, और मेरे ब्लाउज और साड़ी भी लाना बाकी है जो मुझे कल पहनना है, अभी फटाफट से करती हूँ पता और लानी पड़ेगी क्योंकि कल फिर पहनूंगी क्या मैं, जो मैंने सोचा है वो तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए चलते हैं घर। अभी जा रही हूँ मैं मिठाई लेने के लिए, और गोप्रो से शूट कर रही हूँ मैं क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा वाला कैमरा ले जाना कंफर्टेबल भी नहीं है, और बारिश आ रही है थोड़ी बहुत, और मेरा गोप्रो है वो वाटरप्रूफ है इसलिए थोड़ी सी चिंता होती है कम, और मोबाइल भी है वाटरप्रूफ इसलिए कम चिंता है। और ये हमारी गाड़ी, और ये हमारी लैला जो हम कहीं भी जाते हैं तैयार हो जाती है आने के लिए कि हम मैं मुझे भी ले जाओ। मेरे ब्लाउज वाले तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है चुको, एक बार घर ही जाके आ जाएंगे। ये हम दोनों जने जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए, मिठाई लेने जा रहे हैं और वहाँ पर जाके आपको वैरायटीज बताते हैं क्योंकि यहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत ही अच्छी मिठाई मिलती है। चिकू सुबह लेके आए थे मम्मी के लिए मिठाई, तो हमारा काम एक हो गया था, अब एक बाकी है मेरे लिए मिठाई लेने जाना है।
जो कि मेरा इतना बड़ा परिवार है उससे थोड़ा बहुत आपको कल मिलवाएंगे। चमक दिख रही है मिठाई की, नहीं मिठाई की चमक दिख रही है बिल्कुल। ये हमारी मिठाई, वाओ बारिश बहुत टाइम बाद भेजेंगे, वाओ मजा आ रहा है मेरे को तो। आइस नहीं खुल रही, ओहो मजा आ रहा है, बहुत टाइम बाद बारिश में भीग रहे हैं और क्या मजा आ रहा है। हाँ बारिश भी बहुत तेज है, मेरी तो आंखें भी खुल रही है। ओहो पूरे पीछे पूरे पीछे पता है, हाँ चेंज तो करना ही पड़ेगा कपड़ा वगैरह। अच्छा हुआ मिठाइयाँ नहीं भीगी, मैं भी पूरी भीग गई मजा आएगा नहीं पर। अब एक बार कपड़े चेंज करेंगे, हाँ चेंज के लिए पूरी तरह भीग चुके हैं और फिर चलेंगे खाना खाने के लिए होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गई थी इसलिए। तो चलिए चलते हैं और कपड़े वगैरह चेंज करके आपसे मिलती हूँ। हमको जिस होटल में जाना था वो होटल थी बंद, तो अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी और रात के बज रहे हैं 10, तो बना देती हूँ, थक गई हूँ पर क्या कर सकती हूँ, अब खाना तो खाना ही है। सबने खा लिया है, अब आती है मेरी बारी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कंधे वंधे सब दर्द कर रहे हैं। और ये रहा मेरा खाना, पराठे चावल खिचड़ी और पापड़। खाना फिनिश करके फिर आपसे मिलती हूँ। अभी बज रही हैं 11:30 और अभी जस्ट मैंने खाया है खाना और खाना खा लिया है। किचन की है कुछ ऐसी हालत, अब ये सब कंप्लीट क्लीन करके सोऊंगी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ पर ये तो करके ही सोना है, फटाफट से कर लेती हूँ। ये हो गया है हमारा किचन कंप्लीट क्लीन, बर्तन रहने दिए, सुबह भाई जी आएंगे बर्तन तो करेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और बस अब जा रही हूँ सोने के लिए। और मुझे जल्दी भी उठना है क्योंकि कल है राखी, और राखी है सो दीदी और जीजू आने वाले हैं राखी बांधने के लिए और हमें भी जाना है, तो सुबह सुबह जल्दी से कर देंगे, सारे काम निपट जाएंगे। तो इसीलिए तो अब 12 तो बजी गई है लगभग, गेट वगैरह सब लॉक कर देती हूँ और फिर सो जाती हूँ और जल्दी उठना है जैसे कि। तो ओके बाय, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में, बाय।